सरकारी नौकरी, ये शब्द सुनने में दोस्तों जितना अच्छा लगता है, इसके लिए मेहनत भी अथाह करनी पड़ती है। मतलब आप ये समझ लीजिए, दिन रात लोग मेहनत करते हैं तब जाकर सरकारी नौकरी मिलती है। ऊपर से मोदी जी की सरकार में अगर बात करेंगे सरकारी नौकरी की, तो मेहनत करने के बरसों बाद भी नौकरियां मिलती नहीं है, और मिलती हैं तो मेहनत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। 2022 में नौकरियों से जुड़े कई आंकड़े सामने आ चुके हैं दोस्तों, जहां पता चला कि लोगों को सरकारी नौकरी देने में इस सरकार का क्या हाल है और इस सरकार की नैया कितनी ज़्यादा डूबी हुई है। तो कायदे से मोदी जी या उनकी सरकार के मंत्रियों को नौकरी से जुड़ा दावा तो करना ही नहीं चाहिए। ये तो लोगों का कहना है कि अगर ये दावा कर रहे हैं तो ऐसा दावा करने से बचें, क्योंकि फिर पोल खुलेगी। मगर स्मृति ईरानी जी ने दावा कर डाला है दोस्तों। स्मृति ईरानी जी बोल पड़ी कि पिछली सरकार के मुकाबले मोदी जी की सरकार में नौकरियों का भंडार निकल कर सामने आया है, कई सारे लोगों को नौकरी मिली है। अब इन्होंने जो आंकड़ा बताया है दोस्तों, क्या बताया है इन्होंने आंकड़ा, वो इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी, इन्होंने ऐसा दावा किया है दोस्तों कि वो मजाक की पात्र बन गई हैं। आप कह लीजिए कि ट्रोलिंग हो रही है स्मृति ईरानी जी की, इनका मजाक उड़ रहा है। लेकिन क्यों इनका, देखिए ये जो मजाक है ये नौकरियों को लेकर उड़ रहा है, क्योंकि दावा भी इन्होंने नौकरियों को लेकर ही किया है। सोचिए ना, थोड़े समय पहले इन्हीं स्मृति ईरानी जी ने पत्रकार को हड़काया था कि मालिक से बात करूंगी। अगले कुछ घंटों में होता यह है, खबर ये आती है कि उस पत्रकार की नौकरी जो है उसके हाथ से चली गई, नौकरी नहीं है अब उसके पास। और स्मृति ईरानी जी नौकरी को लेकर इतना बड़ा दावा कर रही हैं, तो जाहिर है हैरानी तो होगी। इनका कहना है लाखों लोगों को नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मोदी सरकार ने किया है। स्मृति ईरानी ने एक कार्यक्रम में कहा है दोस्तों कि मोदी सरकार ने 58% ज़्यादा युवाओं को नौकरियां दी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ये जो दावा है ये अभी तक का सबसे बड़ा दावा बताया जा रहा है। अब खुद आप सोचिए, स्मृति ईरानी जी ने दावा ही कुछ ऐसा कर दिया है कि लोगों की हंसी तो छूटेगी। क्या आप नौकरी को लेकर बोल रहे हैं ये सब कुछ? अब लोग इन्हें याद दिला रहे हैं दोस्तों कि अगर आप पकौड़ा तलने को, ऑटो चलाने को, सब्जी बेचने को या बाकी छोटा रोजगार, छोटा काम करने को रोजगार बता रही हैं, तो आपको अपनी जानकारी में सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब कुछ रोजगार के अंतर्गत नहीं आता है मैडम। ये सब कुछ जो है ये छोटे मोटे काम के अंतर्गत आता है जिससे लोगों की जीविका चलती रहे, और वो काम वो खुद खोलते हैं। आप समझ लीजिए, खोखा खोला है किसी ने, दुकान खोला है तो वो अपने पैसे से। अब लोगों ने क्या क्या कहा है दोस्तों, आपको आगे मैं बताऊंगी, मगर उससे पहले आप ये सुनिए कि स्मृति ईरानी जी ने क्या क्या कहा है, क्योंकि उनके बयान के बाद तो आपको बलाइयाँ लेनी पड़ेगी। स्मृति ईरानी ने कहा है कि पिछली सरकार की तुलना में मोदी सरकार ने युवाओं को 58% ज़्यादा नौकरियाँ दी है। अब तक 8,80,000 से ज़्यादा युवाओं को नौकरी मिल चुकी है, ये स्मृति ईरानी ने दावा किया है। अब इनके इस दावे पर दोस्तों लोगों का क्या कहना है वो आपको बता देते हैं, एक एक करके लोगों के ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। भानु यादव भारतीय नाम के यूज़र ने लिखा, मोदी सरकार झूठी मार्केटिंग की सरकार है। देश में केंद्र सरकार के विभागों के अंदर 80 लाख, इन्होंने बताया 80 लाख पद खाली है। अकेले रेलवे के अंदर 2.93 लाख पद खाली हैं। व्यापार का बुरा हाल है, बेरोजगारी दर पिछले 45 सालों में सबसे ज़्यादा है, और ये झूठी सरकार लोगों को गुमराह करती है। देखिए दोस्तों, पिछले साल एक खबर भी सामने आई थी जिसमें बेरोजगारी दर जो है वो पिछली सरकार के मुकाबले बहुत ज़्यादा नजर आई। इसके बाद पवन यादव ने लिखा कि मंत्री जी से सवाल पूछिए कि इन 70,000 नौकरियों के लिए कितने लाख या करोड़ लोगों ने आवेदन किया था। यानी ये जो स्मृति ईरानी जी दावा कर रही हैं, ये इन्होंने तब किया जब 70 लाख लोगों को नौकरी दी गई। पहले मालिक से पूछ लेना, कहीं आपकी भी नौकरी ना खा जाए मंत्री जी, ऐसा इस यूज़र ने लिखा। आगे ये यूज़र लिखता है कि 1% से भी कम आवेदकों को नौकरी प्राप्त हुई है, आबादी के हिसाब से 0.005%। ऊँट के मुँह में जीरा, कम से कम रिक्त पद ही भर दो। यहाँ पर जो खाली पद है उनको भी भरे जाने की गुहार लगाई जा रही है। राजकुमार स्वामी है, ये लिखते हैं
इसीलिए ही मैंने उस दिन भास्कर पत्रकार की नौकरी छीन लेने की धमकी दी और छीन भी ली। मैडम सच बोल रही हैं, कल हमारे मोहल्ले में भी ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ कर नौकरी दे रहे थे और गलती से एक अनपढ़ को तो IAS ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया। तो लोगों लोग कहीं ना कहीं मजाक भी उड़ा रहे हैं, लोग इनसे सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या वाकई में आपने जो दावा किया है सोच समझ कर किया है या फिर ऐसे ही कुछ भी दावा कर दिया। इनके बाद लक्ष्मी प्रताप सिंह है दोस्तों, इन्होंने लिखा है आंकड़े देने वाली संस्था सर्वे ऑफ इंडिया आपने बंद कर दी और आप कह रही हैं कि आपका काम पहले से बेहतर है। अरे आंकड़े दीजिए और संस्था को दोनों आंकड़े तुलना करने दीजिए। आपको पता है कि आप परफॉर्म नहीं कर पाई हैं, इसीलिए तो आंकड़े छुपा रही हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, सिर्फ आपने। तो लोग लगातार इस तरीके के ट्वीट जो है स्मृति ईरानी के इस दावे पर कर रहे हैं। दोस्तों आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि वो मोदी सरकार जो हर साल 2 करोड़ नौकरी का देने का वादा कर रही थी, बीते 9 सालों में कितनी नौकरियां सरकार ने दी हैं, सरकार को क्या इस बात का डेटा जारी नहीं करना चाहिए या फिर मोदी जी को ही बता देना चाहिए। सही तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या आप एक जो गलतफहमी है लोगों के दिमाग में उसे दूर करना चाहिए स्मृति ईरानी जी को, कि स्मृति ईरानी जी पकौड़ा तलने को, रिक्शा चलाने को तो रोज़गार नहीं बता रही है ना, सरकारी नौकरी को ही रोज़गार बता रही है ना। तो फिर सरकारी नौकरी कितनी मिली है और कितने लोगों को मिली है ये उनको बताना चाहिए। दोस्तों फिलहाल देखिए ये जो खबर है ये आग की तरह फैल रही है और स्मृति ईरानी जी बुरी तरीके से ट्रोल हो रही हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।